लर्न पंजाबी विद जगजीत सर। इस चैनल में आप सब का एक बार फिर स्वागत है। इस तो पहला वीडियो आप जी देखो, मैं आपको बेनती करता हाँ कि नवी वीडियो समय सिर प्राप्त कर ली साढ़े चैनल में सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन के बटन दबाओ। जेकर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, तो इस वीडियो होर तो शेयर करो। सो विद्यार्थियों जी आयान असी जो लोग गीत टप्पिया का पार्ट टू कर जा रहे हैं अच्छे अते नाल ही छे टप्पियां तक असी उसका डिस्कस किया और इसकी जिहड़े गाउण की हेक की गल की सी। जो साडा सत्तवां टप्पा है जिवें कि असी दस्या भी यह टप्पे एक कैरी तुक वाले हुंदे ने, एक भाव वाले हुंदे ने और बड़े सरल बड़े सादे और मन ते तिखा प्रभाव पाने वाले हुंदे है और यह जो इसका संदेश है ना मन नूं पुट जांदा है, खुब जांदा है। तो अज असी सत्तवें टप्पे की गल करदे हां। गोरे रंग नूं कोई ना पुछदा मुल पैंदे अकलां दे ओ गोरे रंग नूं। यह जो असी टप्पा किया सानूं पता लगा भी इस विच दस्या गया है भी किसी का कोई रूप का घमंड होवे, किसी होर चीज़ का माण होवे, वो जिहड़े घमंड वाली गल्लां ने ना यह जो रूप का घमंड है जिंदगी चाहिए कोई कदर नहीं पैंदी। हाँ जिहड़े नेक गुण ने, जो नेक अमल ने, जो सियाणप है, जो विद्वता है, जो जो सियाणी सियाणी गल है ना उसकी कदर पैंदी है। इस करके किसी कुड़ी नूं कहा गया है भी गोरे रंग नूं कोई ना पुछदा मुल पैंदे अकलां दे। कहने तो भाव यह है कि इस जमाने घर परिवारों गोरे रंग कोई नहीं पुछता, एक या दो दिन की उसकी जी आव भगत होंगी, एक दो दिन की कदर होंगी है, परंतु जो पता लगे भी उसनों अकल ही नहीं है तो फिर गोरे रंग की कोई कदर नहीं पैंती। इसका मतलब है जो कदर है, जो सन्मान है, वह गोरे रंग का नहीं पैंता, समा पा के अकलों का मुल पैंता है भी सियाणप का, विद्वता का और चंगयाई का जो मुल पैंता है। रंग गोरा होने नाल कोई बंदा सियाणा या चंगा नहीं हुंदा, पर चंगा बंदा हमेशा लिए जिहड़ा उह सुंदर हुंदा। अगे है तेरे बोते नूं गुवारे दीआं फलियां तेनू वीरा दुध दा छन्ना। इस विच एक भैण अपने भरावां दी, अपने प्यारे भरा दी उड़ीक कर रही है। उसका भरा आएगा बोते यानी ऊंट ते सवार होके आएगा, वो आन की प्यार नाल खिच नाल उड़ीक करती है, चाह करती है। तो वह कहती है कि जो मेरा भरा मेरे सहुरे घर अपने ऊंठ ते सवार होके आएगा तो मैं उहदी भी सेवा करांगी और नाल उहदे ऊंठ की भी बड़ी सेवा करांगी। इत्थे गुवारे दीआं फलियां महंगीआं हुंदीआं, गुवारे दीआं फलियां बंदे खांदे, जानवरां ते होर बरसीम वगैरह या होर जिहड़े फसलां ने जिहड़ियां चारे दीआं फसलां ने उह खवाईआं जांदीआं ने। पर जे तूं मेरे घर आएगा ना तेरे बोते नूं गुवारे दीआं फलियां ते तेरे जो ऊंट है, जो तेरी सवारी है, उहदी भी मैं बड़ी सेवा करांगी और तेनूं वीरा दुध दा छन्ना, तेनूं मैं भर के दुध दा छन्ना पियावांगी, आए नूं तेरी आओ भगत करांगी, तेरी अगवानी करांगी। इस तरह उस आउण वाले वीर दे चाह विच एक भैण सहुरे घर विच बैठी इस तरह का ख्याल कर, इस तरह का चाह कर रही है। लो जी अगे करदे हां। उच्चा हो गया अंबर दा राजा, रोहियां विच हाड़ बोलिया मैं सदके। फिर इसे बल्ले बल्ले भी ला लेंदे हुण। इस विच थोड़ा टफ है जो असी तुहाडी हैल्प बुक देखते हाँ, उहदे विच इस तरह का कोई जिहड़ा ना वो अर्थ नहीं किया गया। इत्थे अंबर दा राजा कहिंदे बदलां नूं, जदों बदल नीवे हो के घेरा हुंदे ते बड़ी बारिश करदे है, जदों बड़ी गर्मी दे दिन हुंदे है, फसलां लगियां होईयां ने, बीजियां पईयां ने, उत्तों बदलां दी आस है, परंतु जदों बदल उच्चे हो जांदे है, हवा नाल उड़ के परे चले जांदे, उस समय किसानां लई बड़े सोग दी गल हुंदी है। हुण इत्थे उही सोग दी गल है भी सोके दी उदासी है। सोका दा मतलब हुण ड्रॉट यानी बरसात चली जाएगी, बरसात वरेगी नहीं और जो फसलां ने जितनी भी हरियाली है सारी सुक जाएगी। हुण कंडीशन की है भी उच्चा हो गया अंबर दा राजा, अंबर दा राजा यानी बदल। जो तुसी कई होर थां भी लिखे भी अंबर दा राजा नहीं परमात्मा, परमात्मा बहुत दूर चला गया, नहीं अंबर दा राजा आकाश दा राजा कहा बदलां नूं। जिहड़े बदल है नीवे होके बरसन की बजाय उच्चे होके गायब हो जाते हैं, रोहियां च हाड़ बोलिया। हुण रोही किनू कहिंदे है? रोहियां या बियाबान वो इलाके होंगे जिहड़े पिंडां दे आस पास होंगे ने, पूरा सोके का इलाका होंगे, उत्थे कोई हरियाली नहीं होंगी, बहुत घट जी रौनक होंगे, उत्थे किकरां वर्गे जिहड़े वो वीरान थां ते उगण वाले दरखत उगदे ने, ते ऐसी जगह ते हाड़ बोलदा। हाड़ किसी पंछी का नाम भी हो सकता है, परंतु जो असं हाड़ की गल करते हाँ महान कोश विच तो उत्थे लिखा गया भी जदों किसी इलाके कोई ताड़ पैंदी सी मारन नूं, बड़े कतलेआम हो जांदे सी, एक धर्म या एक कबीले वाले दूजे ते हमला करके बड़ा तहस नहस करते सी, या जंग के मैदान जदों सूरबीर मारे जाते सी तां उन्हां दी जिहड़ी आत्मा सी उत्थे भटकदियां रह जांदियां सी,
और जो दोपहर के टाइम अधी रात के टाइम मार दो बचाओ बचाओ हाय हाय इदां दी आवाज़ां लोगों नूं सुनाई दिंदियां सी, लोकी भयभीत हुंदे सी। इस करके उन्हां उजाड़ां उन्हां रोहियां विच उन्हां मरूथलां विचों नहीं जांदे सी क्योंकि वह थावां उजाड़ हो जांदी सी हमलिआं तों बाद। हुण इत्थे मौत दा सन्नाटा छाया है कितें उन्हां खेतां विच उन्हां हरियाली विच क्योंकि जो अंबर दा राजा जो बदल ने ना वह उच्चे हो गए ने ते रोहियां विच हाड़ बोलिया। इहदा मतलब है भी जो बियाबान जो सुनसान है उत्थे हुण हाड़ पै रहा। हाड़ दा मतलब बचाओ बचाओ मारो मारो इदां दीआं आवाज़ां आ रही हैं। इहदा मतलब है उस थां ते सोके दी जां ड्रॉट दी जां हर पासे जां मीह दी औड़ करके मीह दी कमी करके जो औड़ पै गई है सुक्का पै गया उस दा जो दृश्य सिरजिया गया। हुण असीं दसवां देखदे हाँ गिद्धियां च नचदी दा तेरा रूप दुहाइयां देवे। इस विच इक रोमांटिक सुंदरता दा माण करन वाली गल है भी एक मुटियार है वह बड़ी सुंदर है और गिद्धे विच नच रही है उहदा रूप इतना सुंदर है भी दुहाइयां दे रहा है। वैसे दुहाई दा मतलब है बचाओ बचाओ, दुहाई दा मतलब है भी किसे नूं पुकार करना कि मेरी जान बचा दो। जदों वह सुंदर मुटियार गिद्धे विच नचदी है तां बचाओ बचाओ वाली जिहड़ी धुन पै इहदा मतलब है भी लोकी उहदे सुंदरता ते अश अश करदे है। इस करके इत्थे लिखिया गिद्धियां च नचदी दा तेरा देवे रूप दुहाइयां, यानी एक रोमांटिक टप्पा है जिस विच कुड़ी जिहड़ी सुंदर है नौजवान है गिद्धे विच नच रही है उसकी जो प्रसिद्धि है ना वो बड़ी दूर दूर उसकी धाक पै रही है बड़ी दूर दूर तक तो उसके रूप की उसके गिद्धे की उसके नाच की जो प्रशंसा की गई है। फिर इस बहुत संजीदगी वाली गल है भी एक तरला है एक कुड़ी वालों एक मुटियार वालों एक वेंदड़ वालों तरला यह है कि मैनू भावें कुछ ना दें पर मैनू विद्या दे दें क्योंकि विद्या मिल गई सब कुछ मिल गया। जे विद्या नहीं दिती दाज दिता गहना दिता होर साजो समान दिता परंतु विद्या तो बिना वो जो सारा साजो समान निष्फल है। इस करके कुड़ी तरला कर दी अपने बाबल अगे अपने पिता अगे भावें दई ना दाज विच गहने विद्या पढ़ा दे बाबला भावें दई ना। इस तरह टप्पे की बोली चलती है। इसका मतलब है भी एक कुड़ी एक व्यंदड़ एक मुटियार अपने बाबल अपने पिता नूं तरला करती है कि भावें मैनू दाज विच माण करन वाले जो गहने कपड़े या होर साजो समान ना देवी परंतु मैनू विद्या दी दात विद्या दा धन विद्या वाला गहना दे के जरूर भेजी। इसका मतलब है भी विद्या की कदर है इत्थे रूप की नहीं नेक गुणा की कदर है। किसे गहने करके रूप बद सकता है परंतु वह हमेशा नहीं रहेगा वह गहना वह रूप हमेशा ढल जाएगा परंतु जो विद्या होगी ना तो वह जो कुड़ी है वह जो मुटियार है जो स्त्री है अपने सहुरे घर अपने पेके घर माण पावेगी। इस करके विद्या नूं होर सारी दौलतों तो उच्चा करके मनिया गया। अगली गल है दुध रिड़ के झांजरां वाली कैंठे वाला तार कढ़दा माही मेरिया इदां कुछ भी कह के इसनों एक लम्मी ही क्या बल्ले बल्ले कह के इसनों गाया जाता है। इस दस्या है भी इत्थे कोई खास गल नहीं है इत्थे सिर्फ एक श्रृंगार रस है एक बोली है जिस विच एक पासे जिहड़े झांजरां पा के जो नवी व्याई हुई वोटी है वो दुध रिड़क रही है और वो नाल ही जिहड़ा कैंठे वाला जो जवान है कैंठे का मतलब गहना पहले भी दस्या सी भी एक सोने का इत्थे पत्रा हुंदा है पेंडल टाइम हुंदा है और ना उसके नाल जो गोल गोल जो सिक्के जो लगे हुंदे है फिर धागा पा के उसनों जो नौजवान है वह अपने गले में पाते हैं। एक जुगनी हुंदी है जिस तरह का लॉकेट हुंदा है जिहड़ियां स्त्रियां वह पांदियां उसकी शेप जिहड़ी छोटी हुंदी है एक छोटे लॉकेट वर्गी हुंदी है उसे फुम्मण लगे तो आखिर में फिर डोरी पा के उसनों गले नाल बन लैंदे है। वह स्त्रियों का गहना जुगनी तो कैंठा जिहड़ा वह मुंडियां का नौजवानां गभरुआं का बंदियां का गहना है। हुण इस विच लिखिया है भी दुध रिड़ के झांजरां वाली कैंठे वाला धार कढ़दा धार कढ़ना पेंडू बच्चों को पता है भी जो दुधारू पशु होंगे है गां मझ उनके दुध कढ़न जोड़ा वह धार कढ़ना कहते तो जोड़ा कैंठे वाला जवान है नौजवान वह धार कढ़ रहा है और जी झांजर वाली वो वोटी है जो नवी वाई वोटी है ना वह दुध रिड़के मतलब घर च बड़ी खुशहाली है और दोनों जने खुश ने आस पास रह के नेड़े नेड़े काम करके एक दूजे के काम में हाथ बटा के वह दोनों जने खुश ने। अगली है इसनों असं बचपन तो सुनते आ रहे हैं भी जोगी उत्तर पहाड़ों आया जोगी उत्तर पहाड़ों आया चरखे दी कूक सुन के माही मेरिया। असी किसी पुरानी फिल्म च सुनिया सी जिदा असी पहले गल की सी भी टप्पे नूं इउं भी गाया जा सकता है और इसनों इउं भी गाया जा सकता है। हुण मैं यह पहले पढ़िया यह बाद च पढ़िया क्योंकि फिल्म च मैं इस तरह सुनिया सी परंतु इत्थे लिखिया है चरखे दी कूक सुन के जोगी उत्तर पहाड़ों आया। यह भी एक श्रृंगार रस है एक
क्योंकि जिहड़े चरखे ने ना वह मुटियारां कुड़ियां चलांदियां ने और जो योगी लोग ने अपनियां इस्त्रियां नूं छड्ड के अपने घर बार छड्ड के संसार दे जो ग्रस्त दे सुख ने वह सारे छड्ड के पहाड़ां नूं चले जांदे ने परंतु जदों उन्हां दा किसी समय बाद वापस ग्रस्त च परतन दा दिल करदा है ते वह फिर उन्हां खिच्चां मुटियारां दी सुंदरता चरखे दी कूकर पींगां तियां ए जितने भी उन्हां ग्रस्तियां दे शिंगार ने उन्हां दे चा ने उन्हां नूं सुन के उन्हां बारे सोच के वह जो योगी लोग ने वह पहाड़ तो उतर के वापस आ जाते हैं। इत्थे लिखा है भी जो चरखे की कूक जो उस योगी ने सुनी जिहड़ा कि पिंड छड्ड के या ग्रस्ती छड़ के या घर बार छड़ के चला गया सी क्योंकि इस सुंदरता विच श्रृंगार विच असी खिच है कि वह वापस पहाड़ों तो उतर के अपने पिंड अपने थां अपने ग्रां वापस आ गया। इहदा मतलब है भी ग्रस्ती होना सब तो वड्डा महान धर्म है। अपने घर बार छड़ के उदासी हो जाना घरों गायब हो जाना भज जाना साधु महात्मा बन जाना और फिर उत्थे भी दिल ना लगना इत्थे भी दिल ना लगना और इत्थे दी याद आनी इस तरह का जिहड़ा ना वह प्रवानित नहीं है। हुण इत्थे लिखिया चरखे की कूक सुन के योगी उत्तर पहाड़ों आया श्रृंगार हस की सुंदरता की खिच है भी योगी पहाड़ों तो उतर के वापस अपने घर में आ गया। इतने हम असं गल करते हैं 14th टप्पे की जड़ा कि मेरे मन में बहुत पाँदा है। इस विच की है भी भैणा वर्गा साक ना कोई टुट के ना बैजी वीर ना। हुण भैण भरा दा बचपन च बड़ा साथ है बड़ा निग है बड़ी खिच है और एक दूजे तो बिना रह नहीं सकते। भैण वड्डी हो गई विआह के चली गई वीर वड्डा होया व्याहता भाबो आ गई हुण घर च भाबो आ गई भाबो का रोब चलना शुरू हो गया किसी ना किसी कारण करके वह जो प्यार दे निग विच बजे हुए भैण भरा सी ना वह किसी मन मुटाव का शिकार हो गए किसी ना किसी कारण करके। हुण जिहड़ी भैन है ना वो तरला करती अपने वीर नूं भी जो साडा प्यार है भैन भरा दा बड़ा सच्चा सुच्चा उच्चा प्यार है यह बहुत मुश्किल नाल मिलता है। जे खून दे रिश्ते ने जिहड़े अपने मां जाए जिहड़े भैन भरा ने बड़ी मुश्किल मिलता है किसी कारण करके किते मेरे इस रिश्ते नूं भुला ना देवी मेरे तो टुट के ना बह जाई क्योंकि भैणा वर्गा भैणा बहुत प्यार कर दी है कितने परदेसा च वसियां हो भरा कितने परदेस च होवे भरा अमीर होवे गरीब होवे सुख विच होवे दुख विच होवे भैणा दा मोह हमेशा उन्हां दे नाल उन्हां दीआं असीसां भैणा दीआं अपने भरावां दे नाल रहिंदीआं इस करके भैणा दे रिश्ते दी बराबरी कोई नहीं कर सकदा ते किसे ना किसे कारण करके भैन तो टुट के ना बह जी यानी अपना प्यार बना के अपनी नेड़ता बना के रखी यह जो खून दे साक है यह दोबारा नहीं लभदे इस करके भैणा वर्गा साक ना कोई टुट के ना बह जी वीर ना इत बह जी यानी बह जाई यह बह जी कट्ठा करता तो इस तरह इस टप्पे विच एक भैन अपने वीर नूं तरला पाती है। और अगला टप्पा असीं करदे हां इस विच भी एक भैन नूं अपने भरा की वीरता ते बहादुरी ते उसकी डांग की मार ते जिहड़ा बड़ा माण है क्योंकि उहदा जो भरा है ना उहदे सुखां दुखां दा साथी है जो औख पेगी कोई मुश्किल पेगी तो भरा सौ कोहां तो भी चल के अपनी भैन की राखी ली उसकी हिमायत उसकी पिठ से खड़ा हो जाएगा तो मतलब उसकी हामी भरेगा इस करके भैन नूं अपने भरा की वीरता से उसकी बहादुरी से उसके स्नेह से जिहड़ा वह बड़ा माण है। इत्थे लिखिया है काली डांग मेरे वीर दी जिथे वजदी बदल वांगू गजदी इत्थे इदां भी कर सकते हैं जिथे वजदी बदल वांगू गजदी काली डांग मेरे वीर दी इदां भी इस गा सकते हैं। इहदा मतलब है भी भैन नूं अपने बहादुर अपने वीर भरा उत्ते बहुत माण है क्योंकि वह डांग धारी है इहदा मतलब वह बड़ा मान लो भी डांग ही शस्त्र एक तरह का किसानां दा हुण क्योंकि हमेशा डांग अपने नाल लैके चलते हैं और बड़ा सौखा हथियार है ज़्यादा मारू भी नहीं है परंतु जे मारू बन जाए तो यह वड्डे वड्डे छक्के छुड़ा दिंदा हुण जिहड़ा भरा है उसकी जिहड़ी काली डांग हुण डांग काली तो नहीं हो सकती भी डांग काली किद्दां हुंदी है। मैं एक वीडियो देखी सी भी वो जिहड़ी डांग है एक लीटर सरों का तेल पी जाती है इहदा मतलब है वो अंदर खोखला है और जो वो अंदर तेल पाते तो भर जाती है एक लीटर पूरा तेल पूरी डांग च पै जांदा है। जो असी किसी लकड़ नूं पानी विच कुछ समय लिए डोब के रख दिए या तेल भी डोब के रख दिए फिर वो जिहड़ी वो सख्ती है ना जिहड़ी मजबूती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस तरह वो जिहड़ी डांग है जिहड़ी कदे ब्राउन कलर की सी लकड़ी के रंग की सी वो तेल च भिओ भिओ के उसनू जिहड़ा काले रंग की करता भरा ने क्योंकि उस डांग ते बड़ा माण है उसनू हमेशा अपने नाल रखता है इस करके भरा की जिहड़ी डांग है ना वो बदल की तरह मार करती है जिवें बदल कड़कड़ करता कड़कदा ना मेरे वीर की डांग भी उस तरह कड़कड़ की आवाज़ च वजदी है वैरियां उत्ते। अगली है मेरा वीर धनिए दा बूटा इत्थे बहादुरी की कदर है बहादुरी ते माण है वीर दी इत्थे फिर बहादुरी नहीं इत्थे फिर भरा दे नेक गुणा ते माण है। इत्थे लिखिया मेरा वीर धनिए दा बूटा आंदे जांदे लैण वाशना वाशना दा मतलब है सुगंधी। हुण इत्थे गुलाब दा फुल भी आ सकदा सी इत्थे कोई सेंट दी भी गल आ सकदी सी इत्थे धनिए दी गल क्यों आई
धनिए की गल इस करके आई क्योंकि यह पेंडू समाज है, क्योंकि यह किसान समाज है और किसानों उस तरह की बाहरलिया वस्तां नहीं जेडे उन्होंने नेड़े दियाँ जेडे उन्होंने हाथ के नेड़े दियाँ वस्तां ने, जिवें कि किसान लिए धनिया बड़ा खुशबूदार हुंदा है, धनिए की सुगंधी जो चलती है खेतों में धनिए दे पक जाता है नहीं वो फसल वो ज़्यादा उगाती है हरी भरी हो जाती है, उस समय जो लोग ने खेतों में जी आती मुश्क है सुगंधी है जो वाशन है उस सुगंधी प्रति आकर्षित हो जाते हैं और थोड़ी देर बैठ के फिर अपने सफर में चल पैंदे ने। इहदा मतलब है थोड़ी देर बैठ के अपने रिफ्रैश कर लेंगे, वो सुगंधी उन्होंने मन से तन पर असर पाती है। इदा ही जो मेरा वीर है ना वो धनिए दे बूटे वर्गा गुणकारी है, आंदे जांदे लैण वाशना इत्थे ए नेक गुणा की गल कीते। जो मेरा वीर है वो काली डांग सी यानी बहादुर सी, इत्थे मेरा वीर धनिए दा बूटा सुगंधित बूटा है, तो मतलब वो बहुत सारे गुण ने, उस नेक गुणा का भंडार है, वो नेक गुणा की जो खुशबोई है ना वो बड़ी दूर दूर तक फैलती है, आने जाण वाले लोग उस कोल बैठ के उस कोल गुणा नूं ग्रहण करते हैं। इत्थे उस दे वीर दे दूजे गुण की कदर की गई है, उदी प्रशंसा की गई है। अगे देखते हैं मावां नूं पुत ऐ मिलदे ज्यों सुक्कियां वेलां नूं पाणी, जिहड़ी बेल हुंदी है वह दरख्त ते चढ़ी हुंदी है हेठों उसनूं पाणी चाहीदा है, जदों पाणी ना मिले उहदे एक दिन दे अंदर पत्ते सारे सुक जांदे क्योंकि आश्रित हुंदी है, क्योंकि किसे दे सहारे ते चढ़ी हुंदी है। जिहड़ियां मावां ने ना उन्होंने किसे समय प्यो दा सहारा लिया हुंदा, फिर व्याह के अपने पति कोल आंदियां, पति दे सहारे पति दी ओट विच पलदियां, उस तो बाद वड्डियां हो जांदियां पुत्रां नूं जन्म दिंदियां, पुत्र वड्डे हुंदे फिर पुत्रां दे आसरे जिहड़ियां उह जीवन जींदियां। इहदा मतलब जिहड़ी इस्त्री है ना हमेशा आश्रित हो के रहिंदी है, भावें पुराना समां होवे भावें अज दा समां होवे। हुण जिहड़ी माँ है उस कोलों जे पुत्र दूर चला जावे, पुत्र नाराज़ हो जावे, पुत्र किसे कारण उसनूं ना मिले, तां माँ जिहड़ी उदास हो जांदी। किद्दां? जिवें कि कोई सुक्की वेल होवे उह पाणी तों बिना कुमला जांदी है मुरझा जांदी है, परंतु जदों किसे समें उह पुत्र वापस आ के परदेसां तों वापस आके उहदे नेड़े बैठदा उहदे गल मिलदा ते उह जिद्दां कोई सुक्की होई वेल हरी हो जांदी है ना, इस तरह उस मां दी हालत हुंदी है। इत्थे लिखिआ है मावां नूं पुत ऐ मिलदे, वी जिहड़े विछड़े होए पुत्र ने ना अपनीआं मावां नूं इंज आके मिलदे आ और मावां दी हालत इस तरह हो जांदी है ज्यों सुक्कीआं वेलां नूं पाणी। इत्थे मां पुत्र दे स्नेह दी प्रेम दी और खिच दी गल कीती गई है, मावां अपने पुत्रां तों विछड़ के सुक्कीआं वेलां वर्गीआं हो जांदीआं ते पुत्रां दा मिलाप होण लई जिवें सुक्की वेल नूं पाणी हरिया भरिया करदा है, पुत्रां दा मिलाप मावां दे दिलां नूं इवें हरिया भरिया खुश कर दिंदा है। इत्थे अज दे वीडियो साडी लास्ट टप्पा हैगा पुत वीर दा भतीजा मेरा भूआ कह के मत्था टेकदा, कोई खास गल नहीं है परंतु बहुत वड्डी गल है भी मेरे पेक्यां दे संस्कार है बहुत वधिया, मेरे मैं भी संस्कारी हाँ, मेरा भरा भी संस्कारी है, और जो भरा का पुत्र है यानी मेरा भतीजा वो भी बड़ा संस्कारी है, जो कि मैं देखता है जो कि मैं मिलता है मेरे पैरों हाथ ला के भूआ कह के मत्था टेकता है, यह मतलब मेरे भरा का पुत मेरा भतीजा बहुत संस्कारी है। इतने लिखा है पुत वीर का भतीजा मेरा, जो पुत है मेरे भरा का जोड़ा कि मेरा भतीजा लगता है भूआ कह के मत्था टेकता, वह मैंने भूआ जी कह के मत्था टेकता, ये कोई खास गल नहीं परंतु खास गल है क्योंकि इस विच संस्कारी भतीजे जी गल की है, क्योंकि संस्कारी भतीजे मेरे भरा के गुण ने, मेरे भरा के गुण यानी मेरे गुण ने, यदा मतलब भी अपने आप अपने भरा अपने भरा के पुत यानी भतीजे वड्याया गया उन्होंने नेक संस्कार करके। इस वीडियो असी 18 टप्पे किए, इस तो बाद अगली वीडियो जो थर्ड पार्ट के असी अगले टप्पे करते हैं, देखते हैं उन्होंने कि संदेश दिता गया। इजाजत दो, अपने कमेंट जरूर शेयर करना, अजे तक तुम इस चैनल में इन वीडियोज़ में सबसक्राइब नहीं किया जरूर करो तो आने वाली वीडियोज़ तुम समय सिर मिल जाए और भी और साथियों का भी लाभ हो जाए। इजाजत दो, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने लई साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन दे बटन नूं दबाओ। जेकर इह वीडियो आपनूं पसंद आए तां लाइक करो ते इस वीडियो नूं होरां नाल वध तों वध शेयर करो।